कुर्बानी के मसाइल से मुतालिक भी चंद बातें हैं जो आमतौर से मैंने पिछले सालों में नहीं कही, लेकिन होता है कि बाज़ लोग खैर से हट जाते हैं, बाज़ अगर आसानियां या सहूलतें बता दी जाती हैं, कह दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि ये दीन अपनी जगह रहना चाहिए खालिस। ये तो अमल करने वालों की बात है कि वो क्या करते हैं, दीन में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ये बहस हमारे यहां फुकाह में चली कि वाजिब है या सुन्नत है, बाज़ ने इसे वाजिब माना, बाज़ ने इसे सुन्नत माना। अहम बात है ये, वाजिब का मतलब करना ही है हर एक को, सुनने थे कभी कभी छोड़ भी सकते हैं। ये बहस चली, तो अब इसमें हमें उन्होंने जिन्होंने वाजिब कहा वो एक हदीस की बुनियाद पर कहा, एक रिवायत की बुनियाद पर, वो भी आप हर साल सुनते हैं, वहां ईदगाह में खुतबे में आती है कि जिसके पास इस्तेतात हो, वुसअत हो, वो कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह में ना आए। ये सुनते होंगे हर साल आप, ये वहां पर खुतबे में काजी साहब इसको अक्सर बयान करते हैं। मुहक्किकीन ने इस हदीस के भी एक रावी को मजहूल कहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है और इसका एक रावी गलत है दरमियान। अब ये ऐसी बात नहीं है कि इस पे हम ये कह दें कि होगा गलत अपने माने के एतबार से, तो हमें मालूम है कि सही है तो हमें नहीं मालूम। दूसरी और बाज हदीसें और बाज और दूसरे अहले इल्म के वाकयात वो इसके खिलाफ है। वजन रिवायत या हदीस तो मुसनद अब्दुल रज़ाक की है, लेकिन उसकी उलमा ने मुहक्किकीन ने तस्दीक की है, यानी सनदें खूब चेक की हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है सारी सनदें इसकी, कि हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उनसे रिवायत है कि मैं कभी कभी कुर्बानी छोड़ता था जानबूझ कर, अल्फाज वहाँ इन्नी लमूसियन, वुसअत होती थी मेरे पास, इस्तेआत होती थी, सकम सा हालात थे ऐसे कि कर सकता था, वह इन्नी लमूसियन, लेकिन मैं छोड़ देता था कभी कभी, कि ये फर्ज नहीं है, फर्ज की तरह नहीं हो जाए, लोग इसे फर्ज न समझने लगे। ये तो एक हदीस है, और एक हाफिज इब्ने हिजर बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े मुहक्किक, उन्होंने लिखा है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर कभी कभी छोड़ते थे, जानबूझकर छोड़ते थे कभी कभी, इसलिए छोड़ते थे कि लोग इसे फर्ज ना समझने लग जाएं। ये फर्ज और वाजिब तकरीबन बराबर के दर्जे के थे। तो फिर बात ये आई कि वाजिब नहीं है या सुन्नत है, और कभी कभी छोड़ी जा सकती है वुसअत होने के बावजूद, इसलिए पैसे बचाने के लिए नहीं। तो उन्होंने तो छोड़ी थी तो इस नियत से छोड़ी कि इसे लोग इसे फर्ज ना समझने लग जाएं, तो इससे दलील पकड़ के ऐसा नहीं हो कि अच्छा ठीक है इस साल पैसे बचे, कभी कभी वो करते थे, इस साल मैं नहीं करता।